फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है हम लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हम लोग जो है कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार करते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से कैसे इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है, ये दोनों चीज़ इसमें हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि करंट का यूज़ करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तैयार करना और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज़ करके करंट तैयार करना, ये दोनों चीज़ पढ़ना है। हम लोग जो है अपने डे टू डे लाइफ में जनरेटर भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग जो है मैकेनिकल जो है पावर देते हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। और फैन भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और मैकेनिकल वर्क होता है। जनरेटर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट तैयार करते हैं और फैन में इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार करते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट से रोटेशन करते हैं। यानी हमारे डे टू डे लाइफ में ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और प्रैक्टिकली हमारे डे टू डे लाइफ में जुड़ा हुआ है। इससे हमारा जो है मतलब कि आज के समय का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट शायद ही कोई ऐसा होगा जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को ना मिले। छोटे से छोटा हार्ड डिस्क भी अगर हम लोग देखते हैं, हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट है, उन सब में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। उनको कहा जाता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक नहीं रखना चाहिए, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या हमारा छोटा सा मेमोरी कार्ड, वो सब मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है, मैग्नेटिक लाइन्स होते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू फिर से कोड करके और उसमें डेटा स्टोर करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट पर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स काम करते हैं। आज हमारा जो है एलईडी बल्ब अगर है, उसके अंदर एक छोटा सा किट है, उसमें भी करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार करके फिर उसमें चेंजेस किए जाते हैं और वो किट तैयार किया गया काम करता है। तो लगभग जो है हमारे डे टू डे लाइफ का हर जो है कंपोनेंट वो इन दोनों से जुड़ा हुआ है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट है उससे हमारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट तैयार हो रहा है, एंड सो ऑन। ये एक दूसरे से जुड़े हुए कोरिलेटेड है। कोई भी ऐसा कंपोनेंट शायद ही होगा जो इन दोनों से जुड़ा हुआ ना हो, जो इलेक्ट्रिकल हो। टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, इन सब में कोई ना कोई छोटा सा कंपोनेंट ऐसा ज़रूर होता है जो इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट उसमें जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मैग्नेट को समझा जाए, मैग्नेट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। अगर पूछा जाए कि मैग्नेट क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा सामान जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ खींचे, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेट हमारा हर वो कंपोनेंट है, हर वो सब्सटेंस है जिसमें लोहे या लोहे जैसे जो है मटेरियल को अपने तरफ खींचने का प्रॉपर्टी होता है। द सब्सटेंस इज विच हैव प्रॉपर्टी to attract iron or iron-like particles are called magnet. Physics में और केमिस्ट्री में, दोनों ही में मैग्नेट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलता है। फिजिक्स का मैग्नेट और केमिस्ट्री के मैग्नेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिजिक्स बाहर तरीके से बाहर बाहर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बात करता है और केमिस्ट्री जो है वो एकदम एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बात करता है।
फिजिक्स में हम लोगों जिसको मैग्नेट समझते हैं, केमिस्ट्री में उसको जो है मैग्नेट के बहुत बड़े कैटेगरी के अंदर एक बहुत छोटा हिस्सा दिए हुए हैं। फिजिक्स में हमारा मैग्नेट एक बड़ा सा पत्थर जैसा होता है जिसमें आयरन को खींचने का प्रॉपर्टी होता है, बट केमिस्ट्री में ये बहुत बड़ा जो है एक कैटेगरी है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सारे टर्म्स आते हैं जिसमें हम लोग जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बांटते हैं, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह जो है केमिस्ट्री में भी मैग्नेट अगर पढ़ने को मिलता है, चीज़ें वही होंगी लेकिन उनका लेबल अलग होगा, उनके बारे में किया जाने वाला बात का तरीका अलग होगा। फिजिक्स में भी मैग्नेट पढ़ना है, उसका बात करने का तरीका अलग होगा। चीज़ें एक ही हैं, बाहर बाहर जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे ये एक मैग्नेट है, फिजिक्स कहता है कि इसके अंदर दो पोल होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइंस निकलते हैं, तो फिजिक्स बाहर से बात किया, केमिस्ट्री अंदर से बात करेगा कि आखिर इसका एटम जो है वो क्यों ऐसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो दोनों में कहने का बात अलग अलग होता है लेकिन कहते दोनों एक ही चीज है। तो इसको अच्छे से समझना है, डाउट नहीं करना है कि फिजिक्स में हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पढ़ने का तरीका बदलेगा, फिजिक्स किसी और चीज को लेकर बात करेगा, केमिस्ट्री किसी और चीज को लेकर बात करेगा। जैसे मान लेते हैं हमसे अगर पूछा जाए तुम्हारे बारे में कि दो चार लाइन बताओ, तो हम क्या कहेंगे? ज़्यादा ज़्यादा कहेंगे कि पढ़ने में एवरेज है, तेज है, होमवर्क करता है, नहीं करता है, एंड सो ऑन, इस तरह की कुछ बातें कहेंगे। लेकिन तुमसे तुम्हारे दोस्त के को कहा जाए कि तुम्हारे दोस्त को कि चार लाइन इसके बारे में बताओ, तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब बात बता देगा उस चार लाइन में, है ना। माता पिता से कहा जाए तो भी तुम्हारे बारे में जो हम बोले उससे हटकर, जो तुम्हारा दोस्त बोला उससे हटकर चार नई बातें कहेंगे, लेकिन तीनों सही कहे, तीनों में से कोई गलत नहीं बोला, तीनों का बात मैच नहीं किया अलग बात है, लेकिन तीनों ने एक ही बात नहीं कहा, ठीक है, लेकिन तीनों ने सही कहा। वैसे ही फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बस यही समझना कि बात किधर से कह रहा है, आखिर किस बात को आधार मानकर कोई चीज़ बताई जा रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस चीज़ का ध्यान रखोगे दोनों कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा, समझ में बहुत अच्छे से आएगा कि फिजिक्स किस बारे में बात कर रहा है, केमिस्ट्री किस बारे में बात कर रहा है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, फिजिक्स में हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री कहता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता। फिजिक्स में भी आगे तुमको ये मिलेगा पढ़ने के लिए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल नाम का कोई पोल नहीं होता, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो भी देख लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल मानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस पर कई सारे जो हैं थ्योरीज हैं वो चल रहे हैं, सारे सही हैं, सारा काम भी सही से हो रहा है, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि किसी मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम का कोई चीज नहीं होता, बोथ पोल्स आर सेम, ठीक है, बोथ पोल्स आर सेम। अब कैसे ये हम लोग देखेंगे, पोल्स कैसे जो है काम करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं मैग्नेट से जुड़ा हुआ। इसके बाद हम लोग ये जान जाएंगे कि क्या क्या टर्म्स हैं, कैसे वो काम करता है। देन हम लोग ये देखेंगे कि पोल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो ये काम कैसे करता है, आखिर ये सारे टर्म्स जो हैं एग्जिस्ट कैसे किए। जैसे हमारा पहला टर्म्स आता है मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है किसी भी मैग्नेट के अराउंड, जहाँ तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा उसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड. द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट. यहां बात स्पेस का हो रहा है, इसका मतलब समझना है क्या, थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल नहीं, थ्री डायमेंशनल. हम लोग बोर्ड पर कुछ भी बनाएंगे तो वो टू डायमेंशनल होगा, लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ये थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. अगर हमारे पास ये मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो कहा गया कि ये सारा पोर्शन उसको चारों तरफ से ढक लेना है, किसी भी तरफ से छोड़ना नहीं है. अगर ये हमारा कोई मैग्नेट है तो यहाँ से निकलकर यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकलकर ऐसे भी जा रहा है, तो सिर्फ इतना ही नहीं समझना है कि यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ऐसे हर जगह ऐसे समझना है, ठीक है. तो यहाँ से निकल रहा है और हर पॉसिबल डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व जहाँ तक हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, वो एरिया कहा जाएगा, वो स्पेस कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा स्पेस किसी मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्व होगा. लोहा रखेंगे वो खींच लेगा, ठीक है, खींचे नहीं भी तो भी उस लोहे पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, हम पता लगा लेंगे, तो वो पूरा स्पेस जो है कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक लाइंस, द लाइन अलोंग विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास मूव्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन. ये एक तरह का लाइन है जिस पर जो है अगर हम कोई मैग्नेटिक कंपास रखते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा हमेशा. जैसे यहां पर अगर हम कंपास रखे तो ऐसे वो शो किया, एरो जो है वो नॉर्थ पार्ट है, यहां रखे तो ऐसे शो किया, यहां रखे तो ऐसे शो किया, यहां रखें ऐसे शो किया, यहां रखें तो ऐसे शो किया. तो ये जो कंपास जो है जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो एक लाइन के रूप में अगर हम बदल दें तो कहा जाएगा मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें पहला आएगा इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स टू द साउथ। यह हमारा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा और अंत होता है साउथ पोल में। टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक लाइंस आर डेंसर नियर द पोल। मैग्नेटिक लाइंस जो भी हैं वो पोल्स के पास सबसे नजदीक नजदीक होंगे एंड फार्दर एट द मिडिल। मिडिल में ये सबसे दूर, जितना दूर पॉसिबल होगा उतने दूर रहेंगे। मैग्नेटिक लाइंस पोल के पास सबसे नजदीक और मिडिल में सबसे दूर, जितना दूर हो सकता है। जो हम लोगों का थर्ड पॉइंट है पोल, हम लोग पोल किसको कहेंगे? द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट। इज कॉल्ड पोल इन रेफरेंस। We use two poles, North Pole, South Pole. But in actual, both poles are same. जैसे इमेजिन करो तुम लोग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा नाम एक्स वाई जेड है, किसी और बच्चे का नाम भी एक्स वाई जेड हो सकता है, एग्जैक्टली सेम नाम हो सकता है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। अब मैग्नेट के लिए जो है दोनों पोल एग्जैक्टली सेम होते हैं, पर इन रेफरेंस दोनों को अलग दिखाने के लिए एक को नॉर्थ एक को साउथ कहा जाता है। जैसे एक सेक्शन में दो बच्चे हो, दोनों का एग्जैक्टली सेम नाम हो, ठीक है, सपोज करो अंजलि सिंह नाम के दो बच्चे हैं, दोनों का नाम अंजलि सिंह ही है, तो एक को अंजलि सिंह वन एक को अंजलि सिंह टू इस तरह करके, या कोई और रेफरेंस में यूज करते हैं बट उस वन टू का कोई मीनिंग नहीं होता। इन द सेम मैनर बोथ पोल्स आर सेम बट इन रेफरेंस वी यूज टू पोल्स।
एक को बोल देते हैं नॉर्थ, एक को बोल देते हैं साउथ, ठीक है। नॉर्थ पोल हम लोग बोलते हैं उस एंड को जहां से ये माना गया कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। द एंड ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम विच मैग्नेटिक लाइंस आर ओरिजिनेटिंग, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक लाइंस जो ओरिजिनेट हो रहे हैं उसको हम लोग मान लिए नॉर्थ पोल, जिस एंड से हो रहा है। पर अब सवाल आता है कि हमको मैग्नेटिक लाइंस तो दिखता नहीं है, मैग्नेटिक लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, तो अगर वो दिख नहीं रहा है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि नॉर्थ पोल है कौन सा। When a freely suspended magnet rest toward the north pole of earth, the end of the magnet is said to be north। पता लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक मैग्नेट लेना होगा उसको फ्रीली सस्पेंड करना होगा, छोड़ देना होगा घूमने के लिए। जब हम उसको घूमने के लिए छोड़ देंगे तो वो जो है धीरे धीरे ऐसा केस आएगा, ये हमारा है अर्थ, अर्थ के नॉर्थ की तरफ जो ये रुकेगा जैसे हम इसको लिए और ये कोई मैग्नेट है, जब हम इसको फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दिए तो हमारा जो है नॉर्थ की तरफ, इधर हमारा नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ऐसे रुका, तो जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल। इस तरह मैग्नेट का नॉर्थ पोल इन रेफरेंस आइडेंटिफाई किया गया, यानी कि इस पे कोई एक्सपेरिमेंटल जो है ऑब्जर्वेशन नहीं है कि यही नॉर्थ होगा। शुरुआत में ये माना गया इन रेफरेंस कि ये मेरा नॉर्थ है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ रुक रहा है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल की तरफ रुक रहा है, ये हमारा साउथ पोल की तरफ रुक रहा है। द एंड विल बी सेड टू बी नॉर्थ एंड दिस एंड सेड टू बी साउथ एंड मैग्नेटिक लाइन्स विल एज्यूम टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम दिस एंड एंड एंड्स इन साउथ पोल। तो ये सारा टर्म्स जो है मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को समझने के लिए इन रेफरेंस लिया गया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर एक ही नाम के दो बच्चे हैं तो क्लास में उसको बुलाने के लिए इन रेफरेंस लिया जाएगा, जैसे अंजलि सिंह दो गो है तो उनको रेफरेंस दिया जाएगा अंजलि सिंह वन, अंजलि सिंह टू एंड सो ऑन, जो भी उनके साथ कॉमन लगे, ठीक है। तो उसी तरह प्रॉपर्टीज को समझने के लिए रेफरेंस दिया गया नॉर्थ और साउथ का, ठीक है। साउथ पोल हम लोग किसको बोलेंगे, द एंड ऑफ द मैग्नेट इनटू विच
मैग्नेटिक लाइंस आर सपोज्ड टू एंड आर कॉल्ड इज कॉल्ड साउथ पोल, उसको हम लोग साउथ पोल बोलेंगे. द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच रेस्ट towards south pole is said to be south pole of magnet. जो end south की तरफ rest करेगा उसको कहा गया south pole. साउथ पोल में बोला गया कि सारे मैग्नेटिक लाइंस इंड करेंगे, सारे मैग्नेटिक लाइंस उसी में जाकर खत्म होगा. अब जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अब बात हो गया कि अपोजिट पोल जो है अट्रैक्ट करता है, सेम पोल जो है सेम पोल रिपेल करता है. तो भाई नॉर्थ की तरफ नॉर्थ कैसे हो जाएगा, साउथ की तरफ साउथ कैसे हो जाएगा? सब साइंटिस्ट ने कह दिया क्या कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे मैग्नेट से उल्टा है, हमारे मैग्नेट का उल्टा है. पूरा कॉन्सेप्ट एज ए रेफरेंस लिया गया है. ठीक है, मतलब कहने का समझो, आज हम लोग 1 kg वेट यूज करते हैं, इतिहास में वो 1 kg नहीं था कभी. 1 kg एज ए रेफरेंस लिया गया, सब कोई बोला कि हम इसको 1 kg मानेंगे. कोई जो है एक पत्थर जैसा हो गया, इसको सारे लोग बोले हाँ कल से हम लोग सारे लोग 1 kg इसको मानेंगे. फिर एक लंबाई लिया गया, उसको बोला गया, सारे लोगों ने कहा कि हम आपसे इसको 1 meter मानेंगे. तो वैसे ही सारे साइंटिस्ट लोग इस चीज के लिए एग्री थे कि हम लोग इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको साउथ बोलेंगे. तब समस्या आया कि हम क्या करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का. तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि हम लोग अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट मानेंगे, जिसका मैग्नेटिक पोल जो है हमारे मैग्नेट के उल्टा होगा. उन्होंने एज ए रेफरेंस टर्न कर दिया. अर्थ के अंदर तो कोई गया नहीं है, अर्थ के कोर में बार मैग्नेट है कोई देखा नहीं है, वो भी एक रेफरेंस है. तो कहा गया कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट की वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो कहा गया कि इन रेफरेंस हम लोग इसको नॉर्थ और इसको साउथ बोलेंगे, पलट दिए. यानी कि इस पोल के कॉन्सेप्ट को रेफरेंस बनाने के लिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पलटना पड़ा. तो पोल्स में हम लोगों का पहला आता है अपोजिट पोल अट्रैक्ट सेम पोल रिपेल, एक दूसरे को दूर भगाएगा, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा. ये प्रॉपर्टी जो था, इस प्रॉपर्टी के वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पलटना पड़ गया. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. कहा गया क्या, अर्थ के कोर में एक ह्यूज बार मैग्नेट है. ठीक है, अर्थ के कोर में
एक ह्यूज बार मैग्नेट है और उसका जो पोल नेचर है वो हमारे पोल नेचर से अलग है। हम इसे जियोग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं। जो साइड हमारे अर्थ का पोल स्टार की तरफ है उसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, जिसे हम लोग डायरेक्शनल नॉर्थ बोलते हैं। लेकिन अर्थ के अंदर कहा गया कि जिस साइड में नॉर्थ है ना, उस साइड में हमारा मैग्नेट का साउथ है, इसको बोला गया मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, जिस तरफ हमारा ज्योग्राफिकल साउथ है उस तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ है। चूंकि नॉर्थ और साउथ रिफरेंस टर्म है तो हम अगर पलट दिए, रिफरेंस टर्म पलटे हैं, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल होते हैं जब पोल, तो दोनों में पलट देंगे तो भी हमारा कोई कॉन्सेप्ट उल्टा नहीं हुआ है, साइंस मेरा उल्टा नहीं हुआ, इसलिए इस बात को पलट दिया गया कि हमारा जो है अब ये बार मैग्नेट जो कि नॉर्थ की तरफ रुक रहा है और जो बार मैग्नेट साउथ की तरफ रुक रहा है, उधर हमारे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, इसलिए मेरा बार मैग्नेट का नॉर्थ उधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट, मैग्नेट का नॉर्थ उधर ही रुक सकता है जिधर उसको साउथ मिलेगा, मैग्नेट का साउथ उधर ही रुक सकता है जिधर उसको नॉर्थ मिलेगा। तो अर्थ के अंदर जो है, जो हमारा ज्योग्राफिकल पोल है उसका उल्टा मैग्नेट है, ये कह दिया गया। इससे हमारा जितना चीज हम लोग अब तक पढ़े वो सारा कुछ सुलझ गया। और पलटा क्यों गया? क्योंकि दोनों पोल आइडेंटिकल होते हैं, दोनों पोल रिफरेंस टर्म है, नाम दिया गया बस। तो अगर हम उसको पलट रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदला। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस सारे कुछ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारा कॉन्सेप्ट मैच कर गया अब तक जितना कुछ पढ़ा गया। इसी वजह से अर्थ के अंदर का जो मैग्नेटिक जो है पोल उसको पलट दिया गया। तो याद रखना क्या है कि जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, जिसको हम लोग नॉर्थ समझते हैं, उधर मैग्नेट का साउथ है, और जिधर हम लोग साउथ समझते हैं उधर नॉर्थ है। अगर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये हमारा ज्योग्राफिकल पोल्स बनेगा। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस, आर एट 15 डिग्री इंक्लाइनेशन। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 15 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे हैं। हमारा जो मैग्नेटिक है पोल्स वो ज्योग्राफिक पोल से 15 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर है, ये हमारे 15 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर है। दोनों के बीच 15 डिग्री का इंक्लाइनेशन। तो इस तरह हम लोगों का पोल से, मैग्नेट से जुड़े हुए सारे रेफरेंस टर्म्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि पोल्स कैसे एग्जिस्ट नहीं करते, या पोल्स हमारे आइडेंटिकल क्यों हैं, कैसे हैं, पोल्स का कॉन्सेप्ट का जो है बेस क्या है मैग्नेट्स में, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे।